हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका कि नाम है आर्थिक सुधार कार्यक्रम, इकोनॉमिक एंड एलपीजी रिफॉर्म्स। सुधारों के इस नए मॉडल को सामान्यतया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है। इस परिपेक्ष में डॉक्टर मनमोहन सिंह, तत्कालीन वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया। इसे आर्थिक सुधार कार्यक्रम 1991 कहा गया। वर्ष 1991 का संकट भारत को राजकीय कर्ज में चूक से बचाने के लिए टनों सोना गिरवी रखना पड़ा। तब भारत के पास महत्वपूर्ण आयातों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा लगभग समाप्त हो गई थी। वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था तीव्र गति से सिकुड़ रही है। केंद्र सरकार राज्यों के प्रति अपनी राजस्व प्रतिबद्धताओं में चूक कर रही है। आज भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नौकरियां दिन ब दिन खत्म होती जा रही हैं। दशकों से गरीबी की दर में गिरावट के बाद अब यह बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सार्वजनिक व्यय को बनाए रखना, अल्पावधि में सार्वजनिक व्यय को बनाए रखना विकास को पुनर्जीवित करने की कुंजी है। सरकार को सहायक सुधार जैसे बिजली क्षेत्र में, वित्तीय प्रणाली में, शासन संरचना में तथा कृषि विपणन में सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा विकसित खेती के मॉडल का नाम क्या है? ये कौन सा मॉडल विकसित किए थे वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब देता है। तो हमारे पढ़ाई अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।